विमान वाहक पोत, शत्रु के लिए विनाशकारी शक्ति, इन पर तैनात युद्ध शक्ति, इनसे उड़ान भरते हवाई जहाज हमारे सामुद्रिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, निभाते रहेंगे। भारतीय नौसेना देश में समुद्री शक्ति का ऐलान करती तैनात है ताकि सुरक्षित रहे राष्ट्र और राष्ट्रहित। समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थायित्व का मुख्य स्रोत भारतीय नौसेना। हमारे विशाल समुद्र तट विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में है। हिंद महासागर क्षेत्र का विशिष्ट महत्व है विश्व अर्थव्यवस्था के लिए, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और संसाधनों के लिए। लगभग सभी शक्तिशाली देश बड़ी तादाद में नौसैनिक बल तैनात कर चुके या करने वाले हैं। इससे हमारे समुद्री क्षेत्र में खतरे भी बढ़ गए हैं। भारतीय नौसेना की प्राथमिक जिम्मेदारी है राष्ट्रहित में समुद्री व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए जरूरी है भारतीय नौसेना हो शक्तिशाली और बहुआयामी। भारतीय नौसेना जो हमेशा जुड़ी है देश की समृद्धि, विकास और विश्व में राष्ट्र की प्रतिष्ठा से। इस जिम्मेदारी को निभाने में विमान वाहक पोत हैं नौसेना के कर्मठ साथी। एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG की विश्वसनीय आक्रमक क्षमता, एस्कॉर्ट फोर्स, एम्बार्क्ड एयरविंग आधार हैं हमारी शक्ति के समुद्र में और समुद्र से। भारतीय नौसेना का कार्य क्षेत्र शोर बेस्ड फाइटर्स की अधिकतम पहुंच से बहुत आगे तक फैला है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बावजूद दुश्मन के समुद्री जहाजों और विमानों से उठती चुनौतियों और खतरों का जवाब तुरंत दिया जाना जरूरी है। इसलिए हर क्षण हवाई शक्ति महत्वपूर्ण है। हवाई शक्ति के लिए नौसेना को तटों पर सीमित नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति की दृष्टि से भी एयरक्राफ्ट कैरियर के कई लाभ हैं। ऑपरेशनल संभावनाओं को बल मिलता है। इसके प्राथमिक मिशन बदले जा सकते हैं, जैसे सर्विलेंस, हवाई रक्षा, पूर्व हवाई चेतावनी, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की रक्षा और एंटी सबमरीन वॉरफेयर। समुद्री आक्रमण भी एयरक्राफ्ट कैरियर के मिशन में शामिल है। तटीय लक्ष्यों पर भी आक्रमण कर भूमि पे होने वाले युद्ध को समुद्र से प्रभावित किया जा सकता है। CBG एक शक्तिशाली ढाल जो करती है शत्रु के टोही विमानों से रक्षा। नतीजा, शत्रु हमारे कार्य क्षेत्र की विश्वसनीय जानकारी हासिल नहीं कर पाता। हमारी युद्ध नीति दुश्मनों तक पहुंच पाए ये संभावना भी बहुत कम। कैरियर बैटल ग्रुप बेहद मोबाइल है। ये 24 घंटे में 1000 किलोमीटर तक अपनी जगह बदल सकता है। अपने चारों तरफ 400 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कर सकता है। नतीजा, इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है बहुत ही कम समय में। विमान वाहकों पर आक्रमण आसान नहीं, वजह उनका मोबाइल होना और एस्कॉर्ट फोर्स का साथ होना।
आश्चर्य नहीं तटों पर बने हवाई क्षेत्रों के मुकाबले विमान वाहक अभेद्य हैं। भारत में कैरियर बैटल ग्रुप उनकी आक्रामक युद्ध शक्ति हमारी क्षमता का एक स्रोत बन गए हैं, ताकि राष्ट्र हित में स्थापित हो प्रभावी हवाई प्रभुत्व, कुशल समुद्री नियंत्रण। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। विश्व के मुख्य सामुद्रिक शक्तियों के पास हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ विमान वाहक पोत। कुछ और देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पास या तो हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं या वो विमान वाहक बनाने की तैयारी में हैं। हमारे नजदीकी पड़ोसी देश चीन के पास हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और तीसरा निर्माणाधीन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2024 तक चीन के पास होंगे 4 एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन का ध्येय 2049 तक नौसेना के पास हो 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एक राष्ट्र के रूप में उदय के साथ ही भारत में विमान वाहक की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि ब्लू वाटर नेवी के रूप में पहचान मिल सके। 60 के दशक से भारतीय नौसेना की एक खासियत रही, हमें मौका मिला सभी एयरक्राफ्ट लॉन्च और रिकवरी सिस्टम्स के साथ काम करने का, जैसे कैटोबार, एस्टोवियल, स्टोबार, INS विक्रांत। एक मैजेस्टिक क्लास 19,500 टन कैटोबार यानी कैटोपुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैरियर। यह था भारत का पहला अत्यंत प्रिय पहला विमान वाहक पोत। INS विक्रांत एशियाई राष्ट्रों में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था और लंबे समय तक इकलौता ही रहा। विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई पाकिस्तान के साथ हुए 1971 के युद्ध में, जिसके बाद अस्तित्व में आया बांग्लादेश। इस कैरियर को तैनात किया गया बंगाल की खाड़ी में। इसके 2 हवाई दस्तों सीहॉक लड़ाकू जहाज और एलिजे सर्विलेंस विमान का प्रयोग दुश्मन के बंदरगाहों, मर्चेंट शिप्स और अन्य ठिकानों पर आक्रमण के लिए किया गया। विक्रांत ने पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को समुद्र के रास्ते बच निकलने से रोका। INS विक्रांत ने 36 वर्षों से ज्यादा देश की सेवा की। कई दशकों तक वो देश के गौरव का प्रतीक रहा। विक्रांत 1997 में सेवानिवृत्त किया गया। INS विराट भारत का दूसरा विमान वाहक पोत। यह था शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैरियर यानी स्टोवियल। विराट 1987 में कमीशन हुआ। विराट करीब 3 दशकों तक भारतीय नौसेना की प्रमुख सेवा में रहा। INS विक्रमादित्य रूस की नौसेना का कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ तब्दीलियों के बाद सेवा में शामिल हुआ। साल था 2013 और तुरंत बन गया भारतीय नौसेना का गौरव।
44,500 टन का ये कैरियर 34 जहाज उठा सकता है। इनमें शामिल हैं लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर्स। इसे रीफिट किया गया शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार के लिए। इससे ये बेहतर लॉन्च और रिकवरी क्षमताएं प्रदान करता है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस सेना के लिए रसद से भरपूर स्टॉक के साथ INS विक्रमादित्य समुद्र में लंबी अवधि तक और विस्तृत रेंज तक तैनात रह सकता है। ₹1600 से ज्यादा कर्मियों के साथ विक्रमादित्य मानो एक तैरता हुआ शहर है। यहां जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। हमारे समुद्री योद्धाओं के लिए उत्तम क्वालिटी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस विशाल जलयान पर जिंदगी एक दास्तां है प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की। जीवन जो भरपूर है खुशी और उत्साह से भी। ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमारे सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स बने ब्रिटेन या रूस में। नया विक्रांत पहला विमान वाहक पोत है जिसका डिजाइन तैयार हुआ और निर्माण हुआ पूरी तरह भारत में। यह है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी IAC-1 है आत्मनिर्भर भारत की उत्कृष्ट उपलब्धि। इस विशाल जहाज का डिजाइन तैयार किया इंडियन नेवी के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने। इसका निर्माण हुआ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में जो एक सार्वजनिक उपक्रम है पोत परिवहन मंत्रालय के तहत। नए विक्रांत में 76% से ज्यादा सामग्री और उपकरण स्वदेशी हैं। कुल लागत का 80-85% देश की अर्थव्यवस्था में वापस पहुंच गया है। इसके निर्माण के दौरान हर रोज करीब 2000 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक सक्षम समुद्री शक्ति है। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है हमारे ऑपरेशंस का केंद्र बिंदु। CBG की हवाई क्षमता घातक और विनाशकारी है। समय पड़ने पर यह शत्रु सेनाओं को रोक सकती है। एक विमान वाहक पोत उठा सकता है 30 जहाजों का भार। INS विक्रमादित्य के लिए MiG-29K स्विंग रोल फाइटर प्रमुख आक्रमक प्लेटफॉर्म है। इनकी बदौलत भारतीय नौसेना की समुद्र में हवाई रक्षा और तटों पर आक्रमण की शक्ति नई बुलंदियां छूती है। हिंद महासागर क्षेत्र में आज और भविष्य की चुनौतियों से जूझने के लिए नौसेना के पास कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स होने ही चाहिए। INS विक्रांत के साथ अब हम
उन खास देशों के साथ खड़े हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। हमें अपनी इस क्षमता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल और मजबूत जहाज ही नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक वचन है। भारत एक परिपक्व और जिम्मेदार समुद्री शक्ति बना रहे। जो हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो, यही क्षमता दिखाई देती है हमारे शानदार कार्य प्रदर्शन, हमारे समुद्री योद्धाओं के दृढ़ संकल्प में। ये सभी तैनात हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में। हमारे बीते हुए कल ने हमारे आज की बुनियाद रखी, हमारे वर्तमान में होगा भविष्य का निर्माण। भारतीय नौसेना अपनी जिम्मेदारी समझती है, समुद्र में हम हैं देश के रक्षक। भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, आगे बढ़ने के लिए सदैव सतर्क, सुधार के लिए तत्पर, अपने ध्वज को गर्व से फहराते रहेंगे। आज भी, कल भी, आने वाले समय में भी।